हेलो गाइस, माय नेम इज शादाब। मैं हूँ अभी नोमान गोट फार्म पे अमीन भाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई, अमीन भाई, ये जो नोमान गोट फार्म आपने नाम रखा है नोमान, ये किस लिए रखा है नाम? ये मेरे बेटे का नाम है। अच्छा, तो उनके नाम पे ये आपने रखा हुआ जी, है जी। बिल्कुल भाई, ठीक है। तो अभी अपन इस वीडियो के अंदर पंजाबी बकरे देखने वाले हैं। बिल्कुल, दोनों ही पंजाबी बकरे। हाँ, दोनों ही पंजाबी, जिसमें से एक तो बहुत रेयर कलर के अंदर है अपने पास पंजाबी, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है अब। सही है, ठीक है। इस बकरे से स्टार्ट करते हैं, ब्लैक वाले से अपन। जी भाई जी, तो पंजाबी बकरा है, कुछ नाम रखा है इसका आपने? भाई ये बकरे का नाम मैंने रखा ही नहीं। अच्छा, मतलब ये इसी पल रहा है अभी, नाम नहीं रखा? हाँ, नाम रखा ही नहीं जी। ये पंजाबी नस्ल के अंदर है। हाइट कितनी होगी बकरे की? हाइट है भाई 41। 41 की हाइट है जी भाई। ओके, और इसके दांत कितने होंगे? इसके दांत हो गए 8 दांत हो गए माशाल्लाह। ठीक है, दांत दिखाने की ज़रूरत नहीं, 8 दांत हो गए हैं माशाल्लाह। और वज़न तो जो भी होगा इंशाल्लाह अपन आखिरी में बकरे तोलेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि लाइव तोलने के अंदर भाई एक अलग ही मज़ा है। बिल्कुल भाई, को भी बहुत पसंद आया वो लाइव बकरा तोलना, ख़ास तौर से ऐसे बड़े बकरे। सही बात है जी। और बताएं इस बकरे के बारे में, जब ये आया था तब कितना वेट था इसका? ये बकरा आया था मेरे पास में जब 80 से 85 किलो होगा भाई। 80 से 85 होगा जी भाई। ठीक है, अब एक बकरा अपने पास ये है माशाल्लाह, देखने में मुझे ऐसा लग रहा है हाइट में इससे बड़ा है। हाँ, हाइट में ये 42 है भाई, 42+ में। 42+ में है। दोनों ही बकरों की सफ़ेद आंखें हैं ना भाई? हाँ बिल्कुल, सफ़ेद आंखें जी। इधर घुमाए फेस उसका। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये क्वालिटी भी बिल्कुल अलग ही है भाई। हाँ, मतलब भाई आमतौर पर देखने को नहीं मिलता पंजाबी ये कलर के अंदर, तो इसमें ऐसा कुछ लगता है क्या क्रॉस ब्रीड है? हाँ, ये मुझे भी कुछ लगता है अजमेर, हैदराबादी अजमेरा नस्ल में कुछ क्रॉस है। जबकि कान देखो तो ये प्योर पंजाबी है इसके। हाँ, और उसके कान सेम ही है। हाँ, ये इसके कान नहीं, इसके कान माशाल्लाह उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा बड़े हैं ना। हाँ, हो सकता है हैदराबादी टच हो। हाँ, पंजाबी प्योर भी हो इस कलर के अंदर, लेकिन बारल कलर बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत कलर है माशाल्लाह। 42 इंच की इसकी हाइट हो गई है जी भाई। और कितने साल का होगा ये? ये बकरा होगा 2 साल। 2 साल का। ये कितने वेट का आया था अपने पास? ये बकरा मैंने लिया था 76 किलो हुआ था मेरे पास जी, 70 किलो जी जी जी। अभी भाई मुझे देखने में कम से कम ऐसा लग रहा है कि बकरे 130 किलो से तो ऊपर जाना चाहिए इंशाल्लाह, प्लस में हो गए। और उतना वेट जाता है तो माशाल्लाह। कितना टाइम हुआ आपको अभी ये बकरे तैयार करने में? मेरे को वहाँ बकरे को 10 महीना नेट हो गया है मेरे भाई। 10 महीना नेट हो गया है? बिल्कुल 10 महीना हो गया। काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया माशाल्लाह आपने, जैसा कि हमें बताया गया था जो आपके बारे में कि बहुत अच्छी पलाई है आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो भाई मैंने देख भी लिया है। तो अभी अपने पास स्पेस है बकरे पलाई पे रखने के लिए? जी, मेरे पास अभी 15 बकरों की और जगह है माशाल्लाह। मेरे पास में ऐसे जगह तो बहुत बड़ी है, 50 बकरे रख सकता हूँ। अच्छा, पर जितना अपनी हैसियत मुताबिक बकरे रखते हैं, जितना बकरों का हम काम को अंजाम दे सके और सही ढंग से बकरा पाल सके जी। अच्छा, जहाँ पे आप बकरे रखते हो वहाँ से जहाँ आप रहते हो आपका घर कितना दूरी पे? बिल्कुल 4 कदम पे है मेरे भाई। अच्छा, तो आप हर कभी अवेलेबल रहते होगे बकरों के लिए? 24 घंटा अवेलेबल रहता हूँ। बिल्कुल सामने ही मकान है जी, और इधर बाड़ा है और इधर मकान है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अमीन भाई आप अकेले ही हैं, अपने साथ पूरी टीम वर्क करती है? नहीं, मेरे साथ हमारे दोस्त है जो हमारे खास है, दिव्येश भाई। जी जी, मैं चाहता हूँ आप सबसे मिलवाएं उसको। हाँ बिल्कुल, मिलाऊंगा ना मेरे भाई। दिव्येश भाई एक एक करके मिलवाते जाएं आप। माशाल्लाह, वो चटकी भी है माशाल्लाह बकरों में, एक्टिव है। हाँ माशाल्लाह भाई, बकरों के अंदर चमक तो देखिए, बाल पीसी बाल रवाटी जिसको बोला जाता है, बाल होना चाहिए ना जो भाई, माशाल्लाह। और इनमें नहीं, मैं जितने बकरे बताऊंगा इंशाल्लाह सब में ये चीज दिखेगी जी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। तो ये भाई है, क्या नाम है इनका? इनका नाम है दिव्येश भाई। ओके, ये कितने टाइम से हैं अपने पास? ये मेरे पास 5 साल से है माशाल्लाह। कौन कौन से बकरे खिलाते हैं ये? ये 5 बकरे, ये बकरे और भी है मेरे पास जो, ये 7 बकरे मेरे पास खिलाते हैं। अच्छा, इनके बाद और कौन है? इनके बाद में है मोहम्मद है हमारे पास। जी जी, ये मोहम्मद है। ये कब से है आपके पास? ये भाई तो बहुत छोटा था। हाँ हाँ, जब से ये हमारे दोस्त का लड़का है। अच्छा अच्छा, और उसी का ही छोटा भाई है बुरहान है। हाँ ये, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये बच्चे पत्ता मत्ता भरते हैं भाई, तो खिला लेते हैं इतने बड़े? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
बच्चे तो रहे ही नहीं भाई, ये तो इसका कद छोटा है। अच्छा तो माशाल्लाह वो 17-18 साल का है वो। अच्छा माशाल्लाह मैच्योर हो गए वो, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है बच्चे हैं भाई। तो ये पत्ता खिला लेते हैं इन बकरों को। इन दोनों को कितना टाइम हो गया अभी? ये दोनों छोटे थे भाई जब, ये तो हमारे दोस्त के लड़के हैं। ये इनका मोस्ट ऑफली कैसा है कि जब स्कूल बंद होता है ना, हाँ हाँ हाँ, तो ये बच्चे हमारे पास आते हैं, इधर उधर जाने से बेहतर है भाई, इधर उधर घूमने से बढ़िया है कि कुछ डीजीएस भाई के बाद में हम, मैं आपको मेरे बेटे से मिलाऊंगा जो मुस्तफा है, सैयद मुस्तफा मेरा लड़का है। तो ये भी बकरे देखते हैं? हाँ ये भी ये बकरे देखते हैं। तो इनका स्कूल टाइमिंग उसके बाद भी देखते होंगे ना? ना उन्होंने टेन करके छोड़ दिया। अच्छा नहीं भाई, पढ़ ये तो गलत है, पढ़ाई तो जरूरी है भाई। पहले पढ़ाई उसके बाद में सब काम जरूरी है। बहरहाल बकरे माशाल्लाह देख लिए, अब मैं चाह रहा हूँ भाई कि अपन इनका वेट देख लेते हैं अब, ठीक है? बिल्कुल ठीक है अमीन भाई, अपन जीरो देख लेते हैं पहले, फिर अपन वेट कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है भाई, ये जीरो है, आप ले आए बकरे को। सबसे पहले काला वाले बकरे को ही लेके आओ, ले आए आज आन दीजिए। आने दे आने दे, और सेंटर में ले आए, बस ठीक है। माशाल्लाह 142, अभी 44 बता रहा था, 142 किलो अभी ये 144 आया क्या? हाँ 144 केजी, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बढ़िया है। ठीक है इसको भी लेके आए, इसको हटा दें, पेशाब कर ले बकरा। माशाल्लाह भाई बहुत बढ़िया। तो ऑन एन एवरेज इसने कितना वेट गेन किया? मैंने लिया था जब 80 किलो करीब बकरा था, इसी कांटे में मेरे पास वीडियो भी है। अच्छा 80 किलो था अभी 144, मतलब 64 किलो बकरे ने वेट गेन किया है आपके पास। एक मिनट अभी पीछे रख, ठीक है ये जीरो आने दें। अब एक तो ये कांटे की खासियत ये हिलता डुलता नहीं है भाई, वो छोटे कांटे की तरह भाई हिलता डुलता नहीं है भाई, परफेक्ट आता है वेट इसमें बिल्कुल, इसीलिए तो ये कांटे पे माशाल्लाह 136 किलो सही है भाई, इसमें ग्राम का भी कोई मसला नहीं है। जाने दो माशाल्लाह अमीन भाई, रिजल्ट देख के बहुत मज़ा आया, हो क्या पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हुआ। बिल्कुल बिल्कुल भाई, अब आप क्या बोलेंगे बकरे तुलने के बाद? आपने भी फर्स्ट टाइम ही तुलवाए शायद? हाँ मैंने फर्स्ट टाइम तो आगे तो मैंने तुला है ना, मैंने पहले नेक्स्ट वीडियो में बताया आपको। जी जी मैंने आगे बकरे यहाँ पे तोले है। अच्छा अच्छा, पर बेचने के लिए पहली बार तोल रहा हूँ। बेचने के लिए जी, सही बात है। अब मैं उम्मीद करता हूँ अपने सब्सक्राइबर से भी बोलता हूँ कि माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है भाई, एक मौका आपको ज़रूर दें बकरे पालवाने के लिए। अभी गुंजाइश भी है अपने पास बकरों की? बिल्कुल है ना भाई। कितने बकरों की हो रहे अभी? मेरे पास 15 बकरों की जगह है अभी। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं 15 बकरे की जगह है मेरे पास। जी जी चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमीन भाई, अल्लाह हाफिज़।